क्या एक बार प्रेगनेंसी हटा देने से, गर्भ को हटा देने से भविष्य में बच्चा रुकने में तकलीफ आती है या किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? हर प्रेग्नेंट महिला जो प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने वाली होती है, गोलियां लेने वाली होती है गर्भ हटाने के लिए, या डीएनसी कराने वाली होती है, यह उसका सबसे बड़ा डर होता है, वह उसका सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैडम क्या आगे कोई प्रेगनेंसी रुकने में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन इस कारण से होएगा या नहीं। तो आइए इसी के बारे में पूरे साइंटिफिक डिटेल्स आज हम जानेंगे कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं, और आती है तो किन कंडीशंस में आती है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप किसी तरह से किसी कारणवश आपको प्रेगनेंसी हटाने की ज़रूरत आ रही है, एक अर्ली प्रेगनेंसी, आप गोलियाँ खा रही हैं या डीएनसी करा रही हैं, और ये अगर पूर्णतः क्लियर हो गया है, यानी कि पूरी तरह से प्रेगनेंसी क्लियर हो गई है, तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती, पर बहुत से केसेस में फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम आती किन केसेस में है? मरीज अपने आप दवाइयाँ ले लेती है, उसके बाद वो चेकअप भी नहीं कराती है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी का जो अंदर एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसका कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। जब कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है तो वह इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। जब इन्फेक्शन होता है तो आपके जो पीरियड्स होते हैं वह भी हिल जाते हैं, साथ में बच्चेदानी की दीवारें भी आपस में चिपक सकती हैं। तो इन्फेक्शन जो है वह डेफिनेटली आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी कार्य कर रही हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही कीजिए, और आपको ये श्योर होना ज़रूरी है कि जो चीज़ अंदर थी, जो फीटस अंदर था, वह कम्प्लीटली क्लियर हो गया, उसमें से कुछ भी पार्ट अंदर बचा नहीं हुआ। तो जब ये इसका कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है तो इन्फेक्शन का चांस होता है, जिसके कारण कि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके पार्टनर का या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो ऐसा नहीं कि आप प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती, आप प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन ऐसे कंडीशंस में एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि आपके ब्लड के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बने। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, ऐसा करने से आपके फ्यूचर में होने वाली नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोगों के लिए है स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु पेशेंट्स को बहुत सी बार ये पता ही नहीं होता है कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वह सिर्फ जाके सीधे गोलियां खा लेते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन है तो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत रहेगी। कभी कभी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से ऊपर की होती है और पेशेंट्स उसके लिए डीएनसी के लिए जा रहे होते हैं, कभी कभी कुछ पेशेंट्स कम वीक्स की प्रेगनेंसी में भी डीएनसी को ऑप्ट करते हैं। तो डीएनसी जो कि है तो एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन यह एक अच्छी जगह पे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे सेटअप में कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें पूरा से ढंग से स्टेरिलिटी का ध्यान ना रखा जाए, बहुत क्लीनिनेस का ध्यान ना रखा जाए, और उस दौरान अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो यह भी आपके फ्यूचर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत दे सकता है। साथ में यह छोटा सा जो डीएनसी का प्रोसीजर है, इसके अंदर अगर आपको किसी ने आपके बच्चेदानी को क्लीन करते हुए अगर उसे ज़्यादा क्लीन कर दिया तो बच्चेदानी की दीवार काफ़ी पतली हो जाती है, जिसके कारण कि एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है जिसे हम आशावन सिंड्रोम कहते हैं, जो भी आपके यह भी आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम दे सकता है। तो डीएनसी भले ही एक छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन आपको कराना एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे सेटअप में, जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा जाता है और गायनेकोलॉजिस्ट भी पूरा यह प्रोसीजर करने के लिए ढंग से ट्रेंड है, वहीं पर ही आपको इसको प्रोसीजर को कराना है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी पेशेंट्स बिना डॉक्टर के पास गए, बिना अल्ट्रासाउंड की आए यह दवाइयाँ ले लेते हैं। 95% केसेस में प्रेगनेंसी, 95-97% केसेस में प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही होती है, बच्चेदाने के अंदर ही होती है, परंतु 2-3% केसेस में ये प्रेगनेंसी बच्चेदाने के अंदर ना हो के ट्यूब्स के अंदर हो या ओवरी के अंदर हो, जिसे कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन के अंदर आप दवाइयाँ ले लेते हैं तो वह जो ट्यूब है वह फट सकती है और आपके पेट में ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। पहली चीज़ तो ये खुद से ही एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसमें तो फ्यूचर प्रेगनेंसी रुकने में तो दिक्कत आने की एक चीज़ है ही है, परंतु आपकी जान भी जाने का रिस्क रहता है। तो बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना अल्ट्रासाउंड कराए आपको कभी भी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने का नहीं सोचना है।
प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू अर्ली वीक्स के अंदर की जा सकती है, परंतु डॉक्टर को दिखा के, अल्ट्रासाउंड करा के, पूरा गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही कराइए, अन्यथा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आने का रिस्क रह सकता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।